क्या आप वीडियो एडिट करने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप विंडोज 10 के हिडन वीडियो एडिटर का यूज करके अपने वीडियोस एडिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल विंडोज मूवी मेकर या एप्पल आई मूवी की तरह काम करता है। इसके लिए आपको अपने विंडोज सिस्टम में सर्च पर जाना है और वीडियो एडिटर सर्च करना है। इसके बाद यहाँ आपको न्यू वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और न्यू वीडियो एडिट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। इसके बाद इस ऐड बटन पर क्लिक करना है और फ्रॉम दिस पीसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप एडिटिंग के लिए कोई भी वीडियो और इमेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऐड टाइटल कार्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वीडियो दिख जाएगी, उस पर राइट क्लिक करना है और फिर एडिट और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ राइट साइड में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से आप अपने वीडियो का टाइटल लिख सकते हैं और इनमें से कोई सा भी टेक्स्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको लेआउट के भी ऑप्शन दिख जाएंगे। ऊपर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी कलर सेलेक्ट करके वीडियो के टाइटल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में से आप कोई भी वीडियो ड्रैग करके टाइमलाइन पर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो ट्रिम करने के लिए ट्रिम बटन पर क्लिक करना है। अब कीबोर्ड से आई से इन पॉइंट और ओ से आउट पॉइंट लगाकर वीडियो का जितना पार्ट आप यूज में लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करना है। इसी तरह से आप इमेज को भी टाइमलाइन पर ड्रैग कर सकते हैं। और इस मोशन ऑप्शन से आप किसी भी मोशन पर क्लिक करके उसे प्ले करके देख सकते हैं और जो भी मोशन आप यूज में लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके डन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर टेक्स्ट लिखने के लिए ट्रिम बटन पर क्लिक करके उस पार्ट पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाना है। और सिलेक्टेड पार्ट पर टेक्स्ट ऑप्शन से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ योगा टाइम लिखा है और फिर डन करना है। आप वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट किस टाइम पर स्क्रीन पर शो होगा। और वीडियो को ट्रिम करके आप उस पर भी मोशन लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से जैसे यहाँ दिख रहा है, इससे आपका वीडियो और भी अच्छा दिखेगा। आप वीडियोस पे फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फिल्टर चूज कर सकते हैं। आप और भी क्लिप ड्रैग करके इस पे ऐड कर सकते हैं और उसका जितना पार्ट आप यूज में लेना चाहते हैं उसे ट्रिम करके यूज में ले सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसके बाद आप अपने वीडियो की एंड स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये क्लिप ड्रैग किया,
फिर ट्रिम ऑप्शन से सेलेक्टेड पार्ट ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया है और थैंक यू लिखा है। आप यहां से कोई सा भी टेक्सटाइल चूज कर सकते हैं और जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए आपको यहाँ ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई सा भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद डन करना है। जब आपका वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो ऊपर दिए गए फिनिश वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से वीडियो की क्वालिटी चूज करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अब आप इस वीडियो को अपने सिस्टम में कहीं भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए ट्वीक लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब करें।